हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई मार्स चैनल रियाज पैशन मैंने सेलुलर जेल का जो प्रोडवेयर का साइट सीन था पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ये है पार्ट टू तो पार्ट टू में हम लोग आए हैं चार्टोम शॉमिल जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एशिया का ओल्डेस्ट शॉमिल है यहाँ देखने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं बस शॉमिल जैसे होता है नॉर्मल आसपास में सेम चीज है और मुझे जो इसमें खास बात लगा जो वे से हम लोग आए थे ना वो रास्ता बहुत सुंदर था दो आइलैंड को कनेक्ट कर रहा था एक छोटा सा पतला सा ब्रिज दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड ग्रेट फिर यहाँ आते ही आपको एक शॉप टाइप का मिलेगा पर आप कुछ शॉप नहीं बोलूंगी ये शोरूम है खाली शो के लिए यहाँ से आप कुछ नहीं बाय कर सकते पर साइड में ही एक सॉवेनियर शॉप है जहां से आप छोटे मोटे कुछ पीसेस ले सकते हैं बट बड़ा कुछ अलाउड नहीं है एक एक इतने सुंदर आर्ट पीसेस है जो वुड से कार्वड आउट है लाइक आप -एक एक, 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 एक एक एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एलिफेंट फिर छोटा मोटा लीजर्ट भी था और क्या क्या सारे एनिमल्स थे जो वुड से ही बने हुए थे फिर टिब्बर का पीसेस था पॉलिश किया हुआ टेबल थे ये जैसे देखिए बफेलो का पीस था और बहुत सुंदर सुंदर एक एक माइनोट आर्ट वर्क था फिर हम लोग नेक्स्ट स्टॉप में आए थे जो था नेवल मैरिन म्यूजियम या समुद्रिक म्यूजियम भी कह सकते हैं ये घूमने में अप्रॉक्स आपको ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स लगेगा उससे ज्यादा नहीं लगेगा कुछ ज्यादा कुछ नहीं है पर आप को अगर आंदमन एंड निकोबर आइलैंड का इंफॉर्मेशन चाहिए उनका मैरिन लाइफ जानना है तो आप आ सकते हैं बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा यहाँ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सारे आंदमन एंड निकोबर में जो भी ट्राइबल पीपल है या ट्राइब्स हैं उसके बारे में पूरा दिखाया गया है डमी किए किया गया है उनका लाइफ कैसे है सारा डिटेल्स यहाँ दिया गया है इधर अलग अलग रूम किया गया है चार से पांच रूम है ऑलमोस्ट मुझे ठीक से याद नहीं है एक एक रूम में जैसे ये फर्स्ट रूम था जहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया था आंदाने निकोबर आइलैंड का फिर सेकंड रूम में सारा एक्वेरियम टाइप का था कुछ छोटे मोटे फिश थे दो तीन फिर थर्ड रूम में कोरल लाइफ या शी शेल थर्ड रूम में कोरल लाइफ था जहाँ कोरल्स रखे हुए थे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल्स हाँ और एक चीज नोटेड रहना चाहिए हमें कि हम लोग एक भी कोरल्स बीच से नहीं ले जा सकते हैं एयरपोर्ट में सारा हमको रख देना है वी आर नॉट अलाउड टू टेक एनी ऑफ द कोरल्स फ्रॉम आंदमान एंड निकोबर आइलैंड तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ आप लोग कोई भी कोरल प्लीज मत लीजिएगा नहीं तो आपको चेकिंग के समय सारा पूरा बैक पैक खोलना पड़ेगा फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें जो है ना ब्लू कोरल बोल के एक था बहुत सुंदर था देखने में और यहाँ इसके जस्ट साइड में थ्री बिग बिग शेल रखा हुआ था टर्टल शेल वो भी आप देख सकते थे और नॉर्मल जो वेस्टर शेल होता है वो भी था फिर इसके बाद हम लोग गए थे कॉरविन को बीच दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस अगर आप बोलेंगे साइट सीन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा फर्स्ट मैं बोलूंगी सेलुलर जेंट सेकेंड में बोलूंगी बीच. न, यहां का सीन बहुत ही अच्छा था एक्टिविटीज तो हम लोग पांच बजे गए थे ऑलमोस्ट एंड होने वाला था और नहीं कराएंगे हम लोग एक्टिविटीज करने नहीं गए थे पर बीच बहुत अच्छा था उनका व्यू और फिर वेदर बहुत अच्छा लग रहा था वो कोकोनट ट्री इतना सुंदर फोटो आ रहा था फोटोशूट के लिए आप जरूर जा सकते हैं और सन ट का टाइम था मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा अगर आप आइटनरी पूछेंगे मैं बोलूँगी टू डेज पोर्ट बियर इज एनाफ हाँ अगर आपको यह यहाँ से कहीं डे टूर करना है जैसे रोस आइलैंड और कुछ कुछ आइलैंड है तो आप थ्री डेज रख सकते हैं सी यू सून बाय प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब